थोड़ा सा तो खा ले। नहीं प्रीतु, खाना गले से नहीं उतरेगा। पता नहीं सौम्या ने कुछ खाया होगा या नहीं। यार जाना ही था तो कुछ पैसे लेकर जाती। पता नहीं किस हाल में होगी। और खाना नहीं खा के क्या होगा? मिल जाएगी सौम्या? अरमान, हमें सौम्या को ढूंढना है और ढूंढने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। और जिंदा रहने के लिए खाना पीना तो जरूरी है। चलो खाना खा लो। हरमन पुत्र, रब पर भरोसा रख, हमारे आशीर्वाद के ऊपर भरोसा रख। ये दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, और ऊपर वाले की झोली में मेहर ही मेहर है। चल नाश्ता कर ले। कर ले बेटा। और कहां घुसी जा रही हो? शक्ल तो बड़ी भोली है। नहीं, मेरा मतलब है कि इतनी भोली सूरत और चोरी करने आई हो? अरे अरे ये देखो, ये अरे यहां पे आओ, ये छोड़े पकड़ो से। चोरी छुपे मेरी दुकान में घुसी। अरे जल्दी काके क्या करे, जल्दी आना। अब जी जवाब दो। क्या तुम्हारे चेहरे पे नॉक नॉक करना पड़ेगा ताकि तुम्हारे अंदर की बात बाहर आए? अच्छा ये बताओ, इनमें से कितने और लोगों की दुकान में चोरी की तुमने? नहीं जी, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा चोर नहीं हो तो फिर ऐसे चोरों की तरह बिना पूछे चुपचाप मेरी दुकान में जाके बाबा जी का पाठ पढ़ने वाली थी? मेरे पास पैसे नहीं है। देखा क्या कहा था मैंने, पैसे नहीं है। अब बात निकली ना, चोर। नहीं जी, पैसे चोरी करने नहीं, काम करके पैसे कमाना चाहती हूँ और कुछ खाना चाहती हूँ। बहुत भूख लगी है। मतलब चोर नहीं हूँ। अच्छा एक बात बताओ, 78 बड़ा होता है या 69? 78। पढ़े लिखे अब कब से मैं उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो मान ही नहीं रहा है। खैर क्या यार समीर, किसी को पहचानने में या गणित का हिसाब लगता है तुझे? समीर का हिसाब किताब ऐसे ही होता है, और वैसे भी ये चोर नहीं है। खैर माफ कीजिएगा, आप लोग सब जाइए प्लीज। दुकान धंधा बंदा पड़ा है सबका, जाइए जाइए प्लीज। रियली सॉरी सॉरी। चलो सब गए, तुम भी जाओ। नहीं जी, मुझे काम की जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत तो सभी को है, उसी के चलते मैंने अपनी ये दुकान खोली थी। सोचा था थोड़े बहुत पैसे कमाऊंगा, शादी करूंगा, दुनिया देखूंगा। एक्चुअली धंधा थोड़ा मंदा पड़ा है ना। खैर जिंदगी थोड़ी अटकी हुई है, लेकिन अब दुकान अभी भी टिकी हुई। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आइए देखिए एक बार। देखिए कोई ग्राहक दिख रहा है तुम्हें? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जाइए कहीं और काम ढूंढिए, जिसके बाद कुछ पैसे नहीं है वो आपको क्या काम देगा। मैंने सबसे पूछ लिया है जी, कोई काम देने को तैयार नहीं है। और मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ, ना मेरे पास छत है, ना खाने का ठिकाना। मैं कोई भी काम कर लूंगी जी, प्लीज मुझे बस काम चाहिए। और सुबह शाम माता रानी से प्रार्थना भी करूंगी कि आपकी दुकान चल जाए, ग्राहक आए, प्लीज। सेंटी कर रही हो तुम मुझे? समीर से ये आंसू बर्दाश्त नहीं होते हैं। तुम देख रही हो कि मेरे धंधे पे तो
अपने आप ही इतनी धूल जमी हुई है, मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूंगा? मैं ये धूल भी साफ कर लूंगी जी, मैं कुछ भी काम कर लूंगी, प्लीज। आइडिया बुरा नहीं है, ठीक है एक काम करते हैं, मेरी दुकान में जितने भी खिलौने उन्हें तुम साफ कर दो, बदले में मुझसे जो बन सकेगा मैं करूंगा। जी कर लूंगी। पक्का? हाँ जी पक्का। ठीक है फिर चलो। माता रानी पर भरोसा रख, वो सौम्या के साथ अब कुछ गलत नहीं होने देंगी। वैसे सौदा घाटे का तो नहीं है। अच्छा परजाई जी, अब चलता हूं। चलता हूं मतलब कहां? अपने परदेस वाले घर कनाडा। सोचा था कि कुछ दिनों के लिए यहां और रुक जाऊं, लेकिन मेरे यार ने तो यारी ही खत्म कर ली, फिर क्या रहना। पर पापा अभी तो मैं अरे पगली, तुम्हें साथ लेकर नहीं जा रहा हूं मैं, तुम्हारे हीरो को तुम्हारी जरूरत। जब मन करे चली आना, ठीक है? सोचा तो था कि तुम्हें इस घर की बहू बना करके ही वापस जाऊंगा, लेकिन क्या करें, अंकल जी मुझे माफ कर दीजिएगा, जसलीन को और आपको बहुत दुख पहुंचाया है मैंने। बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैरिज इज आर रिटन इन हेवन, हम सब तो बस उस ऊपर वाले के हाथों की कठपुतलियां हैं, जैसा वो नचाते हैं वैसे ही हम नाचते हैं। कल मैं तेनू बहुत बुरा भला बोलिया, मैं कहा सुना माफ, माफ करने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। चल माफ कर दे यार, उनकी पैरी पवा। बस कर खोतिया, रुलाएगा क्या, अपना ध्यान रखी। अच्छा वीर जी, होने के आगे किसी की नहीं चलती। अच्छा जी सस्त्रीकाल। पापा आई विल मिस यू। पापा आई विल मिस यू टू बेटा, अपना ख्याल रखना और हो सके तो सबका ख्याल रखना, ठीक है? ये कितना क्यूट है ना। कितने का ये? वैसे तो ये 1200 रुपए का है, लेकिन आपकी बेबी के लिए सिर्फ 1000। बेबी ले लूं? ऑफ कोर्स बेबी, मुझे बहुत पसंद है ये। ये लो। शुक्रिया। थैंक यू। चले ये
बाहर के सारे खिलौने साफ कर दिए हैं, क्या थोड़े से पैसे मिल सकते हैं? कुछ खाने के लिए खरीदना था। हाँ। मैंने यहाँ वो अपना सामान रखा था जी, वो एक मेरा लाल रंग वाला। हाँ, भेज दिया मैंने। भेज दिया? किसको भेज दिया आपने? वो मुझे अभी के। अरे उनसे वापस मांगोगी क्या? अरे सुनो तो, ये मेरा है जी, मुझे वापस दे दीजिए प्लीज। क्यों? हमने तो इसे खरीद लिया है, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरा ले लो ना। नहीं नहीं जी, ये ना मेरा है, आप बोलिए ना इसे, ये बेचने के लिए नहीं था। देखो ये 300 रुपए की टड़ी के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं, और वैसे भी आजकल लोड़ी रही तो जो मिल रहा है वो ले लो, वरना जाने दो। नहीं जी, ये मेरा टड़ी है, मैं नहीं दूंगी। आप प्लीज मुझे वापस दे दीजिए ना। देखिए, देखो तुम्हें और पैसे चाहिए और ले लो, ये लो, ये 200 रुपए और रख लो। और पैसे मिल रहे हैं, जितने मिल रहे हैं जाने दो इन्हें। नहीं जी, मैंने कहा ना मुझे लाखों मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे, हजारों मिलेंगे, मैं दुनिया की कोई भी दौलत। देखिए ये मेरा बहुत कीमती टेडी है, मैं दुनिया की किसी भी कीमत पर इसे किसी और को नहीं दे सकती, आप प्लीज मुझे दे दीजिए, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो फिर दुकान क्यों खोल रखी है? ग्राहक ने खरीद ही लिया तो फिर लौटाएगा क्यों भाई? पर ये बेचने के लिए था ही। एक तो ये टेडी मुझे इतना पसंद था, ऊपर से तुम लोगों ने इसके ज्यादा पैसे लिए। तुम्हें जो करना करो, पर मैं ये टेडी तुम्हें नहीं दूंगी। पैसे पकड़ो और चलते भरो, वरना अभी तो उठाया है, बाद में उठने के लायक नहीं बचोगे। जाओ। पागल है क्या ये लोग? चलो कहीं और से ले लेंगे। शक्ल में 12 क्यों बजे हैं? तुम्हें क्या परेशानी हो गई इस घर में? अभी तो नहीं रावी, पर कल का क्या भरोसा? मतलब घर की हालत देख रही हो, उस किन्नर के स्यापों से घर वालों को फुर्सत कहां रहती? एक जसलीन से उम्मीद थी, वो भी किसी काम की नहीं निकली। तो इसमें नई बात कौन सी है? तुम अपना सर पकड़ के क्यों बैठे हो? नया ये है कि अब तक हम इस घर में सबके बारे में सोचते थे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम अपने बारे में सोचें। रावी अभी भी वक्त है, चीजें हमारे हाथ में है। पता नहीं कल रहे ना रहे, मैं तो कहता हूं जब चाची किसी काम में बिजी हो जाए ना, तुम जाके वो तिजोरी से जो निकाल सकते हो निकाल। पता नहीं आगे जाके ऐसी नौबत आ जाए तो हम एटलीस्ट घर से निकलकर अलग से सेटल तो हो सकते हैं, क्यों? अच्छा, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन जब भी सोचोगे मेरे इस घर को लूटने का ही सोचोगे ना? अगर कल को हमें इस घर से निकलना भी पड़े तो ये नहीं कि खुद से जाके कुछ पैसे कमा के लेके आओ,
हर वक्त चोरी किए हुए पैसों से कब तक अपने बीवी बच्चों का पेट पालते रहोगे तुम? बोलो बताओ। और यहाँ ना मुझे अलग अलग तरीकों से पट्टियां पढ़ाने के बजाय ना जाओ इस घर में जाके अपनी जगह बनाओ। हटो यहाँ से, बिस्तर ठीक करने दो। चोरी करनी है ने? ये काम में किसी और से भी करा सकता था, सुन रही है? लेकिन कोई नवा बंदा ढूंढागा उसको फिर से पूरी पूरी राम कहानी सुनानी पड़ेगी, इसीलिए आप इस काम को बखूबी अंजाम देंगी। तो तेरी पहन है ना किन्नर सौम्या, जा सफाया कर उसका, मार दे उन्हें। इस हालात में मरेगी ना तो ज्यादा शक भी नहीं होगा। की कह रहे हैं? हम पूरी कोशिश करेंगे हरक सिंह जी। हरमन जी, आपको मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता है। दुनिया की कोई भी कीमत या कोई भी ताकत आपको मुझसे अलग नहीं कर पाएगी। आपकी कीमत मेरी जान से भी बढ़कर है। कोई आपको मुझसे पूरी दुनिया देकर भी मांगे ना तो भी नहीं दूंगी मैं। लेकिन आपने तो खुद ही अपने आप को मुझसे मांग लिया। तुम यहाँ बैठी हो और वहां पे मैं पंजाब ट्रांसपोर्ट की बसों की सड़कें नाप रहा हूँ। अरे अरे खुड़िया बेटी मिल्खा सिंह, कहाँ जा रही हो? रुक तो जाओ। मैं पैसे तो पूरे लेके जा, खुददार आदमी हूँ, काम कराया तो पैसे पूरे दूंगा। नहीं जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरी चाय नहीं बैठी वहां, तुम्हें शहर से दूसरे शहर तक कोई फ्री में लेके नहीं जाएगा। पैसे ले लो। देखो मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा ये टेडी बेयर तुम्हारे लिए इतना जरूरी है, वरना मैं इसे कभी नहीं बेचता। अब दुकानदार आदमी हूँ, खरीदना बेचना मेरा काम है। टेडी पुराना था, ग्राहक आया, उसने अच्छे पैसे दिए तो मैंने बेच दिया। बदले में मैंने तुम्हें कोई अच्छा टेडी दे दिया होता और क्या? दुनिया की कोई भी कीमत मुझे इस टेडी से दूर नहीं कर सकती है। समझ गया, सारी बातें अच्छी तरह समझ गया। और ये भी जान गया हूँ कि जो लड़की उस दिन चोरी छुपे मेरी दुकान में चोरी करने के लिए नहीं आई थी, उसके लिए उसका काम तो जरूरी था ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है टेडी बेयर। ए टू जी, 1 to 100 सब कुछ समझ गया मैं। अब चले प्लीज। भाई साहब, आपने इन्हें देखा है कहीं? नहीं मैडम, पहले तो कभी नहीं देखा। अब ठीक से देखिए ना। जरूर देखा होगा, प्लीज ठीक से देखिए। मैडम नहीं देखा। कहीं ना कहीं तो देखा होगा। नहीं नहीं सर, आपने पक्का? हरमन, ऐसे तो बात नहीं बनने वाली ना। हम किस किस से जाके पूछेंगे, कुछ और ही करना पड़ेगा। मेरे पास ना एक आइडिया है। हम एक काम करते हैं, मैं सौम्या की फोटो सोशल मीडिया पे डाल देती हूँ, सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट कर देते हैं, कहीं ना कहीं से तो रिस्पॉन्स आएगा। हरमन प्लीज, इतना टेंशन मत लो, समथिंग विल वर्क आउट, आई प्रॉमिस यू। फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com, लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv, फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.